जो करे अहंकार वो कैसे करे प्यार। समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, एथिक्स, मोरल, वैल्यू, राजनीति, सेंसेक्स, पतन ही पतन। उसी तरह एक बीमारी है, शीघ्र पतन। सेक्स में अच्छे नहीं अहंकारी पुरुष। अहंकारी पुरुषों को सेक्स के दौरान प्री मैच्योर इजैकुलेशन की आती है समस्या, नहीं पहुंचते ऑर्गेज्म तक, पार्टनर को नहीं खुद को करना चाहते हैं खुश। यूके के सेक्सुअल एंड रिलेशनशिप थेरेपी जर्नल में छपी है रिसर्च। वॉल पेरासियो यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च प्रोफेसर हैं रिसर्च के राइटर डेविड एल रोलैंड। नार्सिसिज्म, सेक्सुअल रिस्पॉन्स एंड सेक्सुअल एंड रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन नाम है इस स्टडी का। कई बातों पर डिपेंड। स्टडी के अनुसार कई बातें तय करती हैं अहंकारी पुरुष का सेक्स के दौरान प्रदर्शन। नया पार्टनर, पर्सनैलिटी के गुण और खराब बातें तय करती हैं सेक्सुअल डिजायर और परफॉर्मेंस। अहंकार का होता है नेगेटिव असर रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन पर। 1000 से ज्यादा पर स्टडी। 18 से 85 साल के 1297 पुरुषों ने भाग लिया था इस स्टडी में। सेक्सुअल नार्सिसिज्म की लो, मीडियम और हाई कैटेगरी में रखा गया इन सभी को। हाई कैटेगरी वालों ने माना खुद को खुश करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेक्स के दौरान। हाई कैटेगरी वालों को इमोशनल क्लोजनेस लगती है सेक्सुअल प्लेजर में रुकावट। पार्टनर से करीबी महसूस करने के बजाय ऑर्गेज्म तक पहुंचकर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं ऐसे लोग। होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अहंकार यानी नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। समस्या जुड़ी है मेंटल हेल्थ से, देर से चलता है पता। महिलाओं की तुलना में पुरुष होते हैं ज्यादा शिकार ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। हमेशा पॉजिटिव दिखाई देने की करते हैं कोशिश लेकिन रहते हैं परेशान। सुसाइड करने की भी होती है टेंडेंसी। 1898 में सबसे पहले हैवलॉक एलिस ने समझाया था इसे। हैंडल विद केयर ही होता है इलाज।